एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही तनाव से भरा हुआ था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंता में ही कट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो जीवन नहीं बल्कि तनाव को जी रहा है। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था उसे विवाह करने का तनाव था। विवाह हो गया तो पत्नी और घर के खर्चों को चलाने का तनाव रहने लगा। बच्चे ना होने का तनाव रहने लगा। बच्चा हो गया तो उसके शिक्षा और भविष्य का तनाव सताने लगा। ऐसे ही अनेकों कारणों की वजह से ही उसका मन हर समय चिंता और तनाव से भरा रहता था। वो इस तनाव से छुटकारा पाना चाहता था। तभी उसने एक दिन कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर के सामने से भिक्षा लेकर जाते देखा। उन सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर असीम शांति और खुशी का भाव था। चिंता और तनाव तो उनके चेहरे पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। वे सभी बड़े खुश और मस्त दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद भिक्षुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं होता और खुशहाल जीवन जीने का यही सर्वोत्तम तरीका है। इसलिए उसने एक दिन अपना घर बार छोड़ दिया और सन्यासी बन गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई गांव या शहर तो नहीं जिसे छोड़कर चले जाएं। इसका संबंध तो इंसान के मन से है। गृहस्थ जीवन त्याग करके भिक्षु जीवन अपनाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली। वह अब भी तनाव और चिंता से भरा हुआ था। अब उसके जीवन में नए तरह के कामों को लेकर तनाव रहने लगा, जैसे आश्रम के नियम पालन का तनाव, शिक्षाओं को ग्रहण करने का तनाव, गुरु की आज्ञा पालन का तनाव, रोज भिक्षा मांगने का तनाव और सभी शिष्यों के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी रहती थी। उसका तनाव कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आने लगी, उनकी चिंता सताने लगी। वो महसूस करने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि तनाव तो दोनों ही जगह है, परिवार के साथ रहने में भी तनाव है और आश्रम में रहने में भी तनाव है। जब दोनों ही जगह तनाव में रहना है तो क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ ही रहूं। यह सब सोचकर उसने आश्रम से भाग जाने का निर्णय किया। एक दिन वह आश्रम से भाग ही रहा था कि तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाकर कहा, जिससे तुम भाग रहे हो वो तो तुम्हारे साथ ही है, फिर तुम्हारे भागने का क्या फायदा? आखिर कब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति रुक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ था और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं भिक्षु बन गया, लेकिन यहां भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूं। गुरु ने कहा, वो सब तो ठीक है, तुम वापस लौट सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को तो यहीं छोड़ जाओ। वापस सांसारिक जीवन में जाकर फिर उसी तनाव को लेकर घूमोगे तो यहां आने का क्या फायदा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, ये बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम उस काम को करोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप बताइए तो सही, मैं जरूर उस काम को करूंगा। गुरु ने कहा, तुम जाओ और किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो, ना कोई चिंता हो। अगर तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे पास ले आए तो मैं तुम्हारे जीवन से तनाव और चिंता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा जिसके जीवन में ना कोई चिंता हो और ना ही कोई तनाव। वो बहुत गांव घूमा, कई नगरों में गया, बहुत से लोगों से मिला, लेकिन उसे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो। तनाव और चिंता की बात करते ही लोग गंभीर हो जाते और अपने जीवन की समस्याओं को इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते कि जैसे उनके जैसा परेशान और तनावग्रस्त व्यक्ति इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। फिर उसे एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी
कि इस दुनिया में केवल शराबी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता कोई तनाव नहीं होता। इसलिए तुम एक शराबी को ढूंढो और उससे पूछो। शिष्य ने उस व्यक्ति की बात मान ली और बहुत खोज मशक्कत के बाद एक ऐसे शराबी को ढूंढ निकाला जो हर समय शराब के नशे में धुत रहता था। उसने उस शराबी से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता कोई तनाव नहीं है, क्या ये बात सच है? शराबी ने लड़खड़ाती हुई जुबान से उत्तर दिया, तनाव ये क्या होता है? ये किस चीज का नाम है? मुझे नहीं पता। यह सुनते ही शिष्य की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, चलो दिन भर मेहनत करने के बाद अंततः वह व्यक्ति मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। शिष्य यह सब सोच ही रहा था कि तभी शराबी बोल पड़ा, मुझे बस इस बात की चिंता सताती रहती है कि मुझे शराब कहां से मिलेगी, शराब के लिए धन का इंतजाम कहां से होगा, क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? मैंने अपनी पत्नी से सारा धन छीन लिया है, लेकिन क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? यह सुनकर वह शिष्य हैरान रह गया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब तक दिन भी ढल चुका था और अंधेरा होने वाला था, इसीलिए वह थक कर एक मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। वह बहुत हताश और निराश था। वह सोचने लगा, क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है? तभी एक छोटा गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला, भंते बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? शिष्य उस बच्चे की तरफ देखकर बोला, जब तुम जैसे छोटे बच्चे के जीवन में भी चिंता और तनाव है तो बड़ों का क्या हाल होगा? बच्चे ने कहा, महात्मा जी चिंता और तनाव नहीं केवल भूख है, क्या आपके पास से कुछ भोजन मिलेगा? बच्चे की यह बात सुन शिष्य अचानक बहुत प्रसन्न हो गया, जैसे उसे कुछ प्राप्त हो गया हो। उसने अपने झोले में से कुछ भोजन निकालकर उस बच्चे को दिया और वहां से भागता हुआ सीधा गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त हो, जिसके जीवन में कोई भी चिंता ना हो। सभी के जीवन में कुछ न कुछ चिंताएं हैं। जिसके पास धन नहीं है उसे धन की चिंता है, जिसके पास धन है उसे और अधिक धन कमाने की चिंता है, जिसके पास प्रेम नहीं है वो प्रेम के लिए चिंतित है, जिसके पास प्रेम है वो प्रेम से चिंतित है, जिसके पास काम नहीं है वो काम के लिए परेशान है, और जिसके पास काम है वो काम से परेशान है। दुनिया में हर इंसान हर स्थिति में किसी न किसी वजह से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लगता है इस तनाव से छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। गुरु ने कहा, तनाव से छुटकारा पाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद गुरु कुछ गीली लकड़ियां लाकर शिष्य के सामने रख देते हैं और कहते हैं, इसमें आग लगाओ। शिष्य उन गीली लकड़ियों में आग लगाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। तो शिष्य कहता है, गुरुदेव ये लकड़ियां तो गीली हैं, फिर इसमें आग कैसे लगेगी? गुरु ने कहा, तो अब तुम क्या करोगे? इन लकड़ियों को सुखाओगे या बैठकर चिंता करते रहोगे कि अब मैं क्या करूं? इन लकड़ियों में आग तो लग नहीं रही, क्या तुम्हारी चिंता करने से ये लकड़ियां सूख जाएंगी, या फिर तुम थोड़ी सी मेहनत करके कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करोगे और आग लगाओगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप ठीक कहते हैं, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई चिंता तो होती ही है। गुरु ने कहा, चिंता किसी चीज में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन में होती है, और जहां चिंता व तनाव होता है वहां सफलता मिलनी मुश्किल हो जाती है, और जब सफलता नहीं मिलती तो हम और भी चिंता और तनाव में घुसते चले जाते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अगर सारे काम हमारे अनुसार होने लगे तब तो हमें चिंता नहीं होगी। गुरु ने कहा, इंसान के अंदर चिंता और तनाव उत्पन्न ही तभी होते हैं जब उसकी परिस्थिति और मन स्थिति अलग अलग होती है, यानी कि वो चाहता तो कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसलिए अगर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और मन स्थिति के बीच समन्वय स्थापित करना सीख ले तो वो तनाव से मुक्त हो जाएगा। शिष्य ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे संभव है गुरुदेव? गुरु ने कहा, स्वीकार करके फिर वो घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे किसी दुर्घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में तो बहुत चिंतित और तनावग्रस्त होते हैं,
क्योंकि उन्होंने अब तक अपने अपाहिजपन को स्वीकार नहीं किया होता। लेकिन धीरे धीरे वो अपने स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं, फिर उन्हें वो अपाहिजपन उतना चिंतित और परेशान नहीं करता जितना शुरुआत में करता था। गुरु ने आगे कहा, जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद निर्मित कर लेते हैं सिर्फ सोच सोच कर, जबकि असल में वो समस्याएं होती ही नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? शिष्य ने कहा, क्योंकि वहां मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा, क्या यहाँ तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं है? शिष्य ने कहा, हाँ तनाव तो यहाँ भी है। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर हर समय विचार नहीं उठते रहते कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं ही अभागा हूँ, मुझसे ना हो पाएगा, सभी लोग बुरे हैं, काश ऐसा हो जाए सब मेरे अनुसार हो जाए, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, इसी तरह के और भी विचार क्या तुम्हारे मन में हर समय नहीं उठते रहते? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं आश्रम में गुरु भाइयों के साथ रहता हूँ तब भी, और जब घर में था तब भी। गुरु ने कहा, समस्या बाहर नहीं, समस्या तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने अंदर बेवजह का तनाव बना रखा है, उन काल्पनिक घटनाओं के बारे में सोच सोच कर जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी घटित भी नहीं होंगी, उनके बारे में सोच कर ही तुम चिंताग्रस्त रहते हो और तनाव में रहते हो। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि जीवन में समस्याएं होती हैं और उसका समाधान भी होता है, और उस समाधान को पाने के लिए कार्य करना पड़ता है और उस कार्य का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन से तुम्हारे जीवन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, मुझे मंदिर के बाहर एक बच्चा मिला था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में चिंता है तनाव है, तो उसने कहा था, ना चिंता है ना तनाव है, बस भूख है। उस समय मैं समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव या चिंता नहीं, केवल भूख का समाधान किया जा सकता है, तनाव या चिंता का नहीं। दोस्तों, जिस काम की वजह से तनाव या चिंता उत्पन्न हो रही है उस काम को खत्म करो, तनाव और चिंता अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। बस यही एक छोटी सी बात है जो हमें समझनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।